प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूके सर इंग्लिश क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बी वर्ब के सिर्फ सेंटेंसेस देखे हुए थे, एक्टिव वॉइस का रूल देखा हुआ था, पैसिव वॉइस का रूल चला नहीं हुआ था। तो आज हम जो कॉमन यूज होता है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, ये दोनों देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा किस प्रकार से एक्टिव वॉइस का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पहले ये समझो कि जब कर्ता को कर्ता के स्थान पर रखा जाए, जब कर्ता को कर्ता के स्थान पर रखा जाए तो वो होता है एक्टिव वॉइस। किंतु जब कर्म को हम कर्ता के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो वो होगा पैसिव वॉइस। क्रम सबका एक जैसा रहेगा, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का। एक कॉमन सा रूल है वो देख लीजिएगा यहाँ पर। तो एक्टिव वॉइस का जो रूल है वो इस प्रकार से है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो सेंटेंस में कार्य करता है। सब्जेक्ट ध्यानपूर्वक समझिए कि सब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो सेंटेंस में काम करता है, मुख्य कर्ता, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो कहलाती है क्रिया। अब क्रिया में दो चीज़ें होती हैं, दो प्रकार से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो जो हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है वो समझो। पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया का काम होता है टेंस का निर्माण करना होता है। क्या होता है, टेंस का निर्माण करना हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। और उसके बाद मेन वर्ब आता है मुख्य क्रिया, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है मेन वर्ब। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो मेन वर्ब कहलाता है। तो उसके जो फॉर्म होते हैं वो चार फॉर्म होते हैं, मेन वर्ब के चार फॉर्म होते हैं। इसके बाद अगला जो स्थान है जो वस्तु का है या फिर व्यक्ति का है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचेगा वो शेष में आएगा। पूरी लैंग्वेज में यही रूल अप्लाई होगा एक्टिव वॉइस के लिए। केवल और केवल दो टेंस में ऐसा है कि सहायक क्रिया का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, जिनमें से प्रमुख हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सहायक क्रिया का प्रयोग एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, और ना तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब निगेटिव बनाना होता है या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उस वक्त सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पर। हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना होता है तो वो बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो इसके रूल में हो जाता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फॉर्म सदैव थर्ड लगेगा। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का फॉर्म सदैव थर्ड लगेगा, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म से कोई मतलब नहीं है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में केवल और केवल वर्ब का फॉर्म थर्ड लगेगा। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया है दूसरा वाला रहेगा तो दूसरे वाले के स्थान मुख्य क्रिया के बाद में ही होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का स्थान मुख्य क्रिया के बाद ही होगा। और इसके बाद फिर आपका बाई आता है प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब बच्चा बात यह है कि क्या केवल बाई ही प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, क्या केवल बाई प्रयोग होता है, नहीं। इसके अलावा चार और पैसिव वॉइस की प्रीपोजिशंस हैं जिनका प्रयोग होता है, जिनमें एट आता है, विथ आता है, इन आता है और टू आता है। इनके साथ भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इनकी सहायता से भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। अब ये जो बदमाश है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, आप लोगों को बस यही कन्फ्यूजन होता है ये है क्या, आखिर प्रॉब्लम होती है। भाई हम सीधी सीधी बात कर दें, इसमें से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस जो होगा वो केवल 5-7 लोग हैं, 5-7 बदमाश ऐसे हैं जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है, बाकी सब का एक जैसा होता है। देखो कैसे, आई होता है सब्जेक्टिव केस में और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी,
आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। एक बदमाश ये है, दूसरा बदमाश है वी, वी मीन्स हम होता है। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी का ऑब्जेक्टिव केस बेटा होता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी होता है। और सबसे अच्छा जो बुद्धिमान है वो है यू, क्यों? क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम सेम होता है। आप मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के पहले लिखोगे सब्जेक्टिव केस का माना जाएगा और मुख्य क्रिया के बाद में लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का माना जाएगा, रूप वही रहेगा। इसके बाद आता है ही, ही किसके लिए आता है? ही आता है एक वचन पुरुषवाचक के लिए, थर्ड पर्सन का है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा हर। अब दो और बचे हुए, कौन? इट बचा हुआ है और दे बचा हुआ है। तो इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट ही होता है। अब देखो यू और इट दोनों सेम सेम है, यू और इट जो है वो दोनों सेम है। अब आ जाया दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। अब इतने के लिए ही ये रूल बना हुआ है, केवल इतने के लिए ही, सारा काम इतने के लिए है। और इनके अलावा जो कोई भी आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव केस का हो ऑब्जेक्टिव केस है, तो वो स्थान पर डिपेंड करेगा। मुख्य क्रिया के पहले आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस का कहलाएगा और मुख्य क्रिया के बाद में आएगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस का कहलाएगा। मुख्य क्रिया के पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, मुख्य क्रिया के बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो मुख्य क्रिया के बाद जो कोई भी नाउन आती हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आती हैं, मुख्य क्रिया के पहले आने वाले सब्जेक्टिव केस के होते हैं। तो ये रूल है, इस रूल को नोट कर लीजिएगा और इसके आगे हम चलते हैं अभी थोड़ी देर में। नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का रूल और पैसिव वॉइस का रूल, दोनों रूल बता दिए आ गया। पूरे लैंग्वेज में यही इस्तेमाल होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता आगे आता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम कर्ता बना करके प्रयोग करते हैं। कुछ एक एग्जांपल देख ले रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस में। जैसे यदि कहा जाए कि राम सीता को एक पत्र देता है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट है राम, क्योंकि देने का काम कर रहा है राम, देने का काम कर रहा है राम। तो दिए गए सेंटेंस में कर्ता है राम, कर्ता राम है, तो राम के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? देने का, जो कि क्रिया है, और इस क्रिया का प्रभाव सीता पर पड़ रहा है, सजीव ऑब्जेक्ट है, और क्या देता है? पत्र, निर्जीव ऑब्जेक्ट। चार चीजें हैं, और हमने कल बात करी थी, पिछली क्लास में बात करी थी, कौन क्या करता है, किसको क्या से हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं। क्रम से चलेंगे, पहले कर्ता लिखना है, कर्ता क्या है? राम। टेंस कौन सा है बच्चा? टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हिंदी वाक्य में ता है ती है ते हैं आया हुआ है, तो नॉर्मली ये आदत होती है वर्तमान की, प्रेजेंट की जो आदत होती है वर्तमान की, वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब राम एक वचन है तो क्रिया के साथ एस सी आई एस लगेगा, क्रिया है देना, तो देने का फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, और गिव में चूंकि एक वचन है तो यहाँ पर एस सी आई एस लग जाएगा, तो राम गिव्स। सीता ऑब्जेक्ट है, सजीव ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, देन बुक। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, कर्ता, क्रिया, सजीव कर्म, निर्जीव कर्म, और कुछ जो आएगा वो लिखा जाएगा इसके बाद में। पहले क्या लिखेंगे हम? कर्ता लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सजीव ऑब्जेक्ट, फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट। अगर हाँ, इस टेंस में अगर सहायक क्रिया का प्रयोग होता, जैसे डू नॉट, डज नॉट होता, नहीं देता है, नहीं लिखा होता, तो यहाँ पर निगेटिव में सहायक क्रिया आ जाती, डज नॉट, तो ये हो जाता है राम, ये सहायक क्रिया है, राम डज नॉट। अब गिव में ऐसे यस नहीं लगेगा, गिव सीता अ बुक। अब यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस देखिए, पहले वाले सेंटेंस में मुख्य क्रिया ये है, सहायक क्रिया डज है और मुख्य क्रिया आपकी गिव है, तो सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, सजीव ऑब्जेक्ट, फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट, यही क्रम रहेगा एक्टिव वॉइस में। अब बात करेंगे हम पैसिव वॉइस के, पैसिव वॉइस इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, सीता ऑब्जेक्ट है और बुक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव कितनी बनेगी? दो बनेगी। दो ऑब्जेक्ट रहेगी तो पैसिव कितनी बनेगी? दो बनेगी। सबसे पहले हम सीता को ले लेते हैं, सीता को हम सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए,
गिव लिखा है ना, मुख्य क्रिया है ये, क्रिया के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्ट उठ, ये ऑब्जेक्ट उठ करके राम की जगह पर आ गया, सीता लिख दिया गया, अब सीता बन गई सब्जेक्ट। अब टेंस चूंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में सहायक क्रिया पैसिव वाइज की होती है, इज एम आर सहायक क्रिया, तो यहां पर सीता के हिसाब से हम लगाएंगे। इज वर्ब का फॉर्म कौन सा बताया गया था, जी हाँ बिल्कुल वर्ब का फॉर्म थर्ड लगेगा, तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन, तो सीता इज गिवेन क्या अ बुक, दूसरा ऑब्जेक्ट यहीं पर लिखा जाएगा अ बुक बाय राम का ऑब्जेक्टिव केस वही सेम सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं है राम, तो ये हो गए पैसिव वाइज दोनों। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट, फिर दूसरा आप पैसिव वाइज देखिएगा, बुक को उठा करके हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, हो जाएगा अ बुक, ये भी सिंगुलर है, इज लगा दिया, गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन हो गया। निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाए और सजीव को बाद में लिखा जाए, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि उनके पहले टू या फोर लगता है, सजीव के पहले टू या फोर लगाते हैं, तो अ बुक इज गिवेन टू सीता बाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस राम। यहां पर जो प्रयोग किया गया ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यहां पर जो प्रयोग किया गया वो सब्जेक्टिव केस में है। दूसरे पहले सेंटेंस देखो, यहां पर बुक लिखा हुआ है तो बुक के कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, ये बुक जब यहां पर लिखा गया यहां पर कौन सा केस बन गया, सब्जेक्टिव केस बन गया, तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों अपने स्थान पर डिपेंड करता है। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, मिलते हैं आपके साथ अगले अंक में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बने रहिए यूके सर इंग्लिश क्लासेस के साथ।